अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल की एप्लीकेशंस को अपने कंप्यूटर के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बिना एमुलेटर के जो है वो डायरेक्टली जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो पीसी के अंदर यूज करने के मतलब बताया था, जिसमें जो है वो काफी जो है वो यूजर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि ये वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन या तो इंस्टॉल नहीं हो रही है, मतलब एरर दे रही है। तो उसके बाद जो है मैं भी जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशन है वो एक फ्री एमुलेटर के जरिए यूज कर रहा हूं और बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन के साथ। तो चलिए मैं भी आपको उसी मेथड के जरिए बता देता हूं। सबसे पहले आपने गूगल के सर्च इंजन के ऊपर चले जाना है और यहां पर गूगल के सर्च इंजन से आपने एक जो है वो एनडी एमुलेटर जो है एनडी फ्री डाउनलोड में लिखता हूं तो ये एक एमुलेटर है और इसको जो है वो आपने जो है वो डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मौजूद है, जबकि फर्स्ट जो लिंक है वो फाइल हिपो का आ रहा है, तो आप फाइल हिपो से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल जो है ये फ्री है, किसी भी किस्म के आपको जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, लाइफ टाइम फ्री है। तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन इसका जो है वो 4 जो है वो 62 MB का है। मैंने ऑलरेडी जो है वो इसको डाउनलोड किया हुआ है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से जो है वो आपके सामने ये डाउनलोड होके आ जाएगा और इसको आपने जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। बिल्कुल सिंपल इंस्टॉलेशन है, किसी किस्म की कोई जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये ओपन हो जाएगा और इसको दोनों आप जो है वो रोटेट कर सकते हैं। आप इसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों जो है में जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग के लिए इसको यूज करना चाहते हैं तो यहां से आप अपने मुताबिक भी जो है वो सेटिंग कर सकते हैं जो है वो मूवमेंट्स की। तो चलिए मैं यहां पर इसका एंगल जो है वो चेंज कर लेता हूं। ओके जी, आप इसको जो है वो फुल स्क्रीन के ऊपर भी जो है वो कर सकते हैं। ओके जी, यहां पर आपने इसको करने के बाद गूगल प्ले स्टोर के अंदर उसी तरह से जो है वो आप अपना जो है वो यहां पर ईमेल एड्रेस लिख लेंगे तो लॉगिन कर लेंगे। जो भी आप एप्लीकेशंस को जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं आप सिंपली जो है वो इसके ऊपर जो है यहां से ओके जी यहां से जो है वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहां से इसको इंस्टॉल कर लेता हूं। तो इस तरह से जो है वो जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो चाहे गेम्स हैं आप उनको जो है वो डाउनलोड करके बिल्कुल एक नॉर्मल जो है वो मोबाइल फोन की तरह आप दे सकते हैं। तमाम सेटिंग्स और हर चीज जो है वो इसके अंदर मौजूद है और बिल्कुल एक जो है वो मोबाइल फोन की जरिए जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एप्लीकेशन जो है वो मेरे जो है वो मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। और यहाँ पर अगर एंड्रॉयड वर्जन को हम देखते हैं तो 7.1.2 जो है वो इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो नॉगेट का इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल है। और यहाँ पर मैं आता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि अभी मैंने एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड की थी और यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह से जो है वो आप एप्लीकेशन को अपने जो है वो मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। Thank you for watching and please subscribe my YouTube channel.